गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हमने पूजा किया है शाम का टाइम और आज मंदिर साफ किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, आज साफ किया था तो कितना सच्ची में जैसे घर की सफाई होती है ना, अभी अभी काफ़ी टाइम से साफ करना चाह रही थी कि कर ही नहीं पा रही थी, तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बार राधे राधे ज़रूर बोल देना, आप भी दर्शन कर लो हमारे राधा कृष्ण के। सो अभी बस पूजा हो गया है। और तो वैसे एक गुड न्यूज़ है कि बहुत हर मम्मियों के लिए एक गुड न्यूज़ है, बहुत पता नहीं हर जगह पे होगी क्या, अभी नहीं इस इलाके में तो होगी क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की मम्मियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि बच्चों की कल से छुट्टियां हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। सुबह 6 बजे उठ के ना, अभी मुझे लग रहा था कि अभी इसका मैम का ना पहले मैसेज आया था कि 7 से लेके और 9:30 बजे तक स्कूल लगेगा, हम बात कर ही रहे थे कि हाँ छुट्टी कर दो। हाँ और फिर है ना मैंने सोचा कि चलो कल से उसको ना 9:30 बजे तक ही जाना है, लेकिन उठना तो 6 बजे ही पड़ता। फिर अभी दोबारा मैसेज आया 1 घंटे बाद कि है ना कल से छुट्टियां ही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी, यहाँ पर हीट वेव चल रही है जबरदस्त, 42 टेम्परेचर रहता है दिन में, बहुत गर्मी है। हाँ तो बस इस खुशी के मारे ना अभी बाहर जा रहे हैं। तो बच्चा भी सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद सोचो कि चलो मेरे को बनाना पड़ता था उसका टिफिन, निखिल तो बैठ जाते थे लेकिन बच्चा खुद भी तो परेशान होता है। और सुबह 6 बजे उठ जाओ फिर ना नींद पूरी हो पाती है, रात को माइंड में रहता है कि सुबह जल्दी उठना है। सो अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली है। कल नाक में दवाई थी, दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? नाक नहीं हो रहा। तो गाइस देखो और अभी ना पीला पीला आपको जो दिख रहा है ना वो हल्दी लगा रखी है मैंने, थोड़ा सा स्वेलिंग हल्का सा लग रहा है, थोड़ा ऐसे कोई टच भी कर देगा ना तो बस जान निकल जाए। तो बस पूजा हो गई और अभी जा रहे हैं बाहर। और बाहर नन्नू भी खुश है, रखो छुट्टी हो गई। हाँ ये खेल के आया तो मैंने उसको बोला, अरे नन्नू तेरी छुट्टी हो गई, मैंने कहा गुड न्यूज है, तो बोला क्या हुआ, मैंने कहा बता क्या हो सकती है, बोला पता नहीं, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता था अभी तो, मैंने उसको थोड़ी देर पहले बताया था, तो मैंने कहा यार छुट्टी हो गई तुम्हारी, इतनी खुशी की बात है। तो गाइस ठीक है, अच्छा है, चलो एक ये तभी कहीं पे जाने का मन करता है, प्लान बनाते हैं कहीं की घूमने जाएंगे ये, और वरना तो जब तक बच्चे का टिफिन बनाने का काम है ना सुबह, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तो गाइस अभी चलते हैं। शाम के टाइम में ना आजकल यहाँ मेन एंट्रेंस पे ये लगाने लग गई हूँ, तो धूप कितना अच्छा लग रहा है, वाह एंट्रेंस पे अच्छा लगता है बहुत। अरे वाह बब्बी, दर्द तो नहीं हो रहा अभी नाक में? अभी बार बार याद दिलाओगे तो होगा। ननुआ बहुत खुश आज तो। निखिल इधर ही से मुड़ने हैं ना? हाँ राइट साइड। हाँ ये मत अभी इस पे चला लेते हैं। नहीं हो ना? सही चलती है, बस आराम आराम से चलते रहो अपने। क्या चिपक रहा है निखिल मेरे बालों पे? अरे नहीं सही है, बत्ती सोनी जी। निखिल वो पेड़ है, वो पौधे है ना छोटे छोटे, मुझे लगा लोग बैठे हैं या पौधे। ये ग्राउंड है यहाँ पे, अभी क्रिकेट ग्राउंड तो थोड़ा बना दिया इन्होंने, लेकिन और ग्राउंड्स बनने में टाइम लगेगा। ये रहा नन्नू, यहाँ पे तुम आते हो खेलने है ना? छुट्टी है भाई, छुट्टी है नन्नू की कल से, आराम से। निखिल कितना मजा है ना मैंने। अब तो नहीं है उस, वो नहीं लेके आए, अब क्या करें? नहीं बोतल एक रखी है हमारे पास, पीछे देखनी पड़ेगी। अब आगे देखो, आते हुए लेना। अब ये देखो इसमें, ये तो पानी वाली बोतल है बेटा। मैं भी इधर से ले लेती हूं आराम से। बब्बी को अब ड्राइविंग प्रैक्टिस करानी पड़ेगी क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो बब्बी को भी करनी पड़ेगी, है ना? अभी प्रैक्टिस है ना सब है, लेकिन ना रोज देते नहीं हो गाड़ी। हां ठीक है तो, हां ठीक है तो अब ले लो तो ठीक है। दूसरे की गाड़ी खुद की, क्योंकि ये मेरी नहीं है ना, अब की है तो आप बोल तो देते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता ना दूसरे की चीजों पे हाथ लगाना, इसलिए नहीं। अभी तो ज्यादा ही बोलती है। मैं सही बोल रही हूँ बिल्कुल, गाइस को पता होना चाहिए। गाइस मैं जब भी बोलती हूँ निखिल मैं ड्राइव करूंगी तो बोलते हैं बस अभी रहने दो टाइम नहीं है। अरे तो पब्लिक कई बार टाइम की बात ही है ना, कि कई बार थोड़ा जल्दी में जाना होता है तब नहीं कर पाते हैं। निखिल ऐसे नहीं होता इतना, अगर आप मेरी तरह
वगैरह चलाओ तो आपको तो आए नहीं बिल्कुल। सही कह रही हो। गाड़ी चला चला के आपका खुद का मन ही नहीं भरा आज तक गाड़ी चलाने का। और ये देखो कोई सीख रहा है गाड़ी, पता है ना? हाँ। किसी के सिखाने से नहीं सीख पाता है गाड़ी। लेकिन मैंने भी दिल्ली में ली थी क्लास, मैं तो 10 ही दिन ली, 11वें दिन गई नहीं। आज हम अच्छी जगह पे फंस गए, हमें प्लाई लेना था, प्लाई बोर्ड, क्योंकि हम एसी लगवा रहे हैं। तो है ना संडे मार्केट लग रहा है, मार्केट है ना उसके आगे ही कुछ दुकानें संडे मार्केट की होते हैं, तो आज तो बहुत फंस गए। सुपेला मार्केट जो हमारे बिल्कुल पास में ही पड़ता है। और है ना एक बार तो न्यूज़पेपर में आया था कि बंद हो गया, लेकिन बंद पहले से कम है, खैर पहले जितनी दुकानें लगती थी उतनी अब नहीं लगती। ये थोड़ा आगे जो होते हैं ना ये थोड़ी सस्ती चीजें मिलती है ना, और हम तो फंस गए। और मुझे है ना पहले याद नहीं दिलाया आपने इसकी संडे है। अरे याद मेरे खुद को ही नहीं था यार अभी। है? ऐसा तो नहीं है। और गाइस मेरी वाली दुकान फिर से आएगी, ये देखने में अच्छी लगती है, ड्रेस फैब्रिक अच्छा नहीं है। जैसे कि कौन सी दुकानें हैं वो ही था क्या, वो बुलेट पे दूल्हा दुल्हन बैठे थे गई वो। आपकी बार तो बहुत गंदी ड्रेस। इस मार्केट की ड्रेस तो दिखने में ठीक है लेकिन फैब्रिक बहुत एकदम नकली टाइप का सा। कुछ कुछ पे ठीक मिल जाता है। नहीं नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लगता कोई कुछ नहीं। तो गाइस बस अभी मैं खाऊंगी सैंडविच। और अच्छा हुआ बाहर से है ना आज मैं खाने के लिए गई थी पाव भाजी, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। लेकिन याद ही नहीं रहा कि आज संडे है, और संडे को ना बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, बंद रहते हैं। और गाइस मैंने ना काफ़ी दिन बाद ड्राइविंग किया, तो लग रहा था बहुत मेरी छोटी उच्चक पुचक सी ड्राइविंग नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस। और है ना, हाँ, और ये सब निखिल के कारण हुआ, क्योंकि निखिल गाड़ी नहीं रहते हैं, तो दूसरी गाड़ी चलाना थोड़ा सा रोज नहीं, अब रोज मैं नहीं चलाऊंगी। निखिल डांटते बोलते हैं, क्योंकि अरे डांटता नहीं हूँ तो थोड़ा सा बताना तो पड़ता है ना। अब एकदम से आपको कोई बोलता है अरे इधर उधर, तो फिर ना बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर नहीं। अदरवाइज मैं बहुत अच्छी चला लेती हूँ, लेकिन फिर ऐसे टोक देते हैं फिर नहीं मन करता, इसलिए मैं नहीं चलाऊंगी गाइस। और आप वेट करो कि कब मैं गाड़ी ड्राइव करूं, और भगवान से दुआ करो फिर। गाड़ी क्योंकि मुश्किल है दूसरे की गाड़ी चलाना। और आज तक तो है ना निखिल का खुद का ही मन नहीं भरा, वो गाड़ी लेके वो भागे, पूछते भी नहीं है मुझे कि तू चलाएगी क्या। तो ये मेरे यहाँ पे सैंडविच आ गए हैं, ये देखो। मैं तो अभी राजमा चावल भी खाए थे, बहुत टेस्टी लगे इस टाइम तो। आज लंच में है ना राजमा चावल बनाए थे जो बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि है ना बस थोड़ा हल्का सा ही भूख है, तो बस अभी हम लोग यही खाएंगे गाइस। आप लोग आपने क्या खाया था? ये पूरा डब्बा तो फिनिश भी कर दिया। इसमें सैंडविच था ना वो हम, अपने मेरा वेट भी नहीं किया इन्होंने। अरे तो वो वाला तुम नहीं खाती, तुम्हारे लिए स्पेशली वाला मंगवाया था विदाउट मेयोनीज वाला। चलो ठीक है गाइस, मैं ना अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अभी ड्राइविंग व्लॉग आएगा नो डाउट, बट ना अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइविंग व्लॉग ना जो खुली सी जगह होती है ना, ओपन स्पेस रहता है, हाईवे वगैरह, जब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है चलाना, और वरना बहुत स्ट्रेस पड़ता है आंखों पे, इतनी गंदी से आंखें हो जाती है, टाइम में थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ तब मैं नहीं चलाती हूँ, गाँव के बीच से है ना बच्चा भाग के आ जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं ना इजीली हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन फिर टोक देते हैं ना फिर मैं ना मन नहीं करता, क्योंकि फिर मुझे लगता है जिसकी गाड़ी है उसी को दो ड्राइव करने दो, क्योंकि ड्राइविंग करना घना अच्छा नहीं है, मतलब ज्यादा बेटर नहीं लगता मुझे। स्ट्रेसफुल तो है ड्राइविंग, बहुत है बहुत है। शुरू में लगता था कि ड्राइविंग करना कितना अच्छा लगता है, खुद गाड़ी लेके निकालो फिर लेके जाओ, कुछ नहीं है स्ट्रेस है बिल्कुल। और परफेक्ट तो ड्राइविंग में कोई होता नहीं, अच्छे अच्छे मार खा जाते हैं आपको पता ही है, जो बहुत एक्सपर्ट है वही मार खा गए, तो मुझे लगता नहीं है कि इस धरती पे एक्सपर्ट तो कोई है ड्राइविंग में, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे अच्छे ज्यादा मार खाते हैं मेरे जैसे, फिर भी डर के मारे थोड़ा धीरे धीरे चला लेंगे, ज्यादा मार खाने वालों में एक्सपर्ट जो समझते हैं वो खाते हैं इसलिए। और ड्राइविंग व्लॉग आएंगे गाइस, अभी हमारे कुछ प्लान है तो आपको पता लग जाएगा हमारा जो भी प्लान होगा छुट्टियों का, क्योंकि आज से छुट्टियां हो गई हैं, तो अभी प्लान बनाना शुरू करते हैं, अभी एक दो दिन में कहीं ट्रिप बनाते हैं, लॉन्ग ट्रिप बनाते हैं, सो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए आप वेट कीजिए अच्छे व्लॉग का, और अभी जो भी डल रहे हैं प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी अच्छे ही हैं। सो ठीक है गाइस, अभी खाते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी बहुत गर्मी, अपना ध्यान रखो, नींबू पानी पीते रहो, जूस लेते रहो। Bye bye guys, good night.